आज के इस वीडियो में भारत में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियों को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और समझें। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों को आपको याद करा दूंगा और आप आजीवन कभी भी नहीं बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। पहले देखिए, हरित क्रांति ये किस लिए शुरू की गई? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इसके जो जनक हैं, MS स्वामीनाथन या नॉर्मल बोला बोरलाग, इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए एग्जाम में तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। दूसरा है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, इनका ज़्यादा उत्पादन करने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो जनक हैं, वर्गीज कुरियन। दोस्तों ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये और सबको मालूम है। चलिए आगे देखते हैं। अगली है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन के लिए। और इसके जो जनक हैं अरुण कृष्णन, ये कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसकी क्या ट्रिक है? मछली जल में रहती है और जल कैसा होता है? नीला होता है। जल नीला होता है तो इससे क्या हुआ? नीली क्रांति। नीले से हो गया नीली क्रांति। अगला देखिए पीली क्रांति क्या है? तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तिलहन मतलब जो जिससे तेल निकलता है, तो तिलहन मतलब सरसों से तेल निकलता है, और भी कई चीज़ें होती हैं उनसे भी तेल निकलता है, जैसे मूंगफली हो गया और ढेर सारी होती हैं। तो तिलहन अर्थात सरसों, सरसों का जो फूल होता है वो आपने देखा होगा, गांव में कभी गए होंगे तो सरसों का फूल देखा होगा, वो पीला होता है। सरसों का फूल कैसा होता है? पीला होता है। तो पीला से पीली क्रांति, तिलहन का फूल या सरसों का फूल पीला होता है तो वो पीली क्रांति हो गई। याद होगा, बहुत आसान है। भूरी क्रांति, ऊन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसकी क्या ट्रिक है? ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ से प्राप्त हुई तो भा से भेड़ और भा से भूरा। बहुत ही आसान है याद रखना, भा से भेड़ और भा से भूरा। तो दोस्तों ये भूरी क्रांति ऊन उत्पादन के लिए है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन। दोस्तों मैंने इसमें बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। मैंने ढेर सारी होती क्रांतियाँ लेकिन मैंने सबके बारे में नहीं बताया, जो इम्पोर्टेंट वही बताया। चलिए आगे देखते हैं। गुलाबी क्रांति किस लिए हुई? मसालों के उत्पादन व निर्यात में वृद्धि हेतु। जो मसालों का जो उत्पादन हो और उसमें वृद्धि हो, निर्यात में वृद्धि हो, मतलब जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो निर्यात भी किया जाएगा। तो इसकी क्या ट्रिक है वो देख लीजिए। बादाम मसालों की श्रेणी में आता है तो बादामी क्रांति मतलब मसालों का उत्पादन, मतलब जहाँ भी मसाला मिलता है जैसे हल्दी धनिया ये सब, वहाँ पे आपको बादाम भी मिल जाता है, तो बादाम को मसालों की श्रेणी में रख दिया। तो बादामी क्रांति का मतलब मसालों से है। अगर बादामी आ जाए तो आप याद रखिएगा बादाम कहाँ मिलते हैं? मसालों की दुकान पे, तो वो मसालों की श्रेणी में आ गया। तो बादामी क्रांति मतलब मसालों का उत्पादन, याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली आती है उसका उत्पादन करना गुलाबी क्रांति से होता है। गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल झिल्ली सी पतली होती है, हमने देखा होगा। तो झिल्ली से आप याद रखें ये क्या? झींगा। हम दोस्तों हमको याद करना है, कैसे भी कोई छोटी मोटी ट्रिक बना के हमें याद हो जाना चाहिए। इसलिए गुलाब की पत्ती झिल्ली के बराबर होती है, झिल्ली से पतली होती हैं, तो झिल्ली से हो गया झींगा। ये आप याद रखें, गुलाब से पत्ती, झिल्ली झिल्ली, और झिल्ली से याद रखेंगे झींगा। चलिए अगला देखिए। इंद्रधनुषी क्रांति, उपरोक्त सभी क्रांतियों पर निगरानी एवं उन पर बल देने हेतु इंद्रधनुष की क्रांति चलाई गई थी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्रांति से संबंधित प्रश्न आएगा तो बस इसी में से आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करके अगर घंटी नहीं दबाया तो अगला वीडियो मिस कर देंगे आप। इसलिए दोस्तों लगातार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।